आज हम बनाएंगे वड़ा पाव। ये आधा किलो आलू बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं, इन्हें मैश कर लेंगे। स्टीम पर आलू बॉईल करना मतलब कुकर के डिब्बे में धुले आलू बिना पानी के रखकर और ढक्कन लगाकर पकाना। इस तरह आलू पकाने से आलू में पानी की मात्रा नहीं होती, इससे हम जो भी रेसिपी करते हैं वो चिपचिपी नहीं होती। आलू मैश कर लिए हैं, अब बटाटा वड़ा की सब्जी के लिए मसाला रेडी करेंगे। मिक्सी जार में 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 4 हरी मिर्च, मिर्च की मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, आधा टीस्पून जीरा और थोड़ा हरा धनिया डालकर बिना पानी डाले पीस लेंगे। मसाला रेडी है, अब हरी चटनी रेडी करेंगे। मिक्सी जार में 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 6 से 7 पुदीने के पत्ते, स्वादानुसार नमक, आधा टीस्पून नींबू का जूस, मुट्ठी भर हरा धनिया और थोड़ा पानी डालकर बारीक पीस लेंगे। हरी चटनी रेडी है। बोल में 1.5 कप बेसन लिया है, इसमें स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ बैटर रेडी करेंगे। बैटर इतना पतला होना चाहिए। बैटर रेडी है, ढककर रखेंगे। तब तक बटाटा वड़ा की सब्जी बना लेंगे। हाई फ्लेम पर कढ़ाई रखी है, इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। गैस की फ्लेम लो पर करेंगे। राई चटकने के बाद इसमें चुटकी भर हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, करी पत्ता और हरा मसाला डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालकर 1 मिनट पका लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। बटाटा वड़ा की सब्जी रेडी है। सब्जी ठंडी होने तक हम लाल चटनी बना लेंगे। इसके लिए हमें चूरा तलना होगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, इसमें इस तरह बैटर छोड़ेंगे। चूरा क्रिस्पी हो चुका है, निकाल लेंगे। मिक्सी जार में 5 लहसुन की कलियां बिना छीले डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और बिना पानी डाले पीस लेंगे। अब इसमें ठंडा किया हुआ चूरा डालेंगे, दरदरा पीस लेंगे। लाल चटनी रेडी है। सब्जी ठंडी हो चुकी है। अब आपको गोल या चपटा जो भी शेप पसंद हो उस तरह वड़ा बना लीजिए। बनाया हुआ वड़ा इस तरह बैटर में डिप करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। आप हाथ से या स्पून से वड़ा तेल में छोड़ सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर वड़े फ्राई कर लेंगे। वड़े फ्राई हो चुके हैं, अब स्लिट की हुई हरी मिर्च फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च फ्राई हो चुकी है, मिर्च गर्म है तभी उस पर नमक डालें। हमने सब रेडी कर लिया है। इस तरह पाव को दोनों चटनी लगा लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वड़ा रखेंगे। गर्मा गर्म वड़ा पाव रेडी है।